प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, प्रेस दी बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशंस। आज हम बनाएंगे छोले। ये छोले हम भटूरे के साथ बनाते हैं और ये पूड़ी के साथ और रोटी के साथ भी खाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, एक चम्मच चाय पत्ती, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, हल्दी, इमली का पानी, तेल, धनिया पाउडर, हींग, कसूरी मेथी, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। छोले, ये एक कप छोले हैं जो मैंने पूरी रात भिगो के रखे हैं और उन्हें का पानी निकाल के, ये एक कप छोले हैं, पूरी रात भीगे हुए छोले हैं ये। दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, तीन टमाटर बारीक कटे हुए, ये सारा मसाला हमें छोले बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। मैंने यही कप छोले भिगोने के लिए लिया था। मैंने इसमें टोटल 4 कप पानी डाला है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 आधा टुकड़ा दालचीनी का, 1 स्टार एनाइस, इसको हम चक्र फूल भी बोलते हैं, 1 जावित्री और 1 लौंग, इनको डाल के इनकी मैंने पैक गांठ बना ली है और इसको हम पानी में डालेंगे और इसके साथ हमारे भीगे हुए छोले डालेंगे। इसमें नमक डालना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दें। और हम इसको 2 विसल आने तक पकाएंगे। एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। मैंने ये 1/4 कप तेल डाला है। इसके अंदर मैंने शाही जीरा डाला है, आप नॉर्मल जीरा भी काम में ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने हींग डाली है, 1/4 चम्मच हींग। इसे मिक्स करेंगे। इसमें हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच पेस्ट है। इनको अच्छे से पकाएंगे। ये हमारा पूरा अच्छे से पक गया। इसके बाद हम इसके अंदर कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारे प्याज जो है आधे भुन चुके हैं, इन्हें हम थोड़ा और पकाएंगे। हमारे प्याज रेडी हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, 3 कटे हुए टमाटर हैं। इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 कसूरी मेथी, 1 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे कि हमने छोलों में पहले नमक डाला है। इसके अंदर हम इमली का पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस मसाले को अच्छे से भुनना है। ये देखिए हमारे छोले रेडी हैं। अब इन्हें हम मैशर से थोड़ा सा मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैश करना है। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं किया है। ये देखिए
थोड़ा ही मैश करना है। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। ऑलमोस्ट हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें हमारे छोले डालेंगे, बॉईल छोले, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे तेल आने तक। ये देखिए हमारे छोले रेडी हैं। अब हम इन्हें धनिया डाल के इसको अच्छे से सर्व करेंगे। और ये हमारे छोले रेडी हैं। आप इन्हें भटूरे के साथ ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी रक्षाबंधन की थाली रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।